नोटबंदी का आज 25वां दिन है और अभी भी लोग कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं। लोगों के खातों में पैसा तो है लेकिन फिर भी लोगों के हाथ खाली है और अब तो जीवन गुजारना भी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच गुजरात के सौराष्ट्र से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सौराष्ट्र में नोटों की बारिश, लोक संगीत में उछाले गए 2000 के नए नोट, जमीन पर बिखरे नोट ही नोट। नोटबंदी के बाद एक तरफ जहां लोग कैश के लिए परेशान हैं, 2000 और 500 के नए नोट पाने के लिए लोग घंटों एटीएम और बैंकों की लाइनों में लगे हैं, वहीं गुजरात के सौराष्ट्र से सामने आई इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे कि भला किस तरह से एक लोक संगीत में 2000 के नए नोट उछाले जा रहे हैं। ये तस्वीरें 1 दिसंबर की हैं, जहां भक्ति संगीत के कार्यक्रम में गायक कीर्तिदान गढ़वी पर धन वर्षा की जा रही है। दरअसल गुजरात में नोट लुटाने की परंपरा काफी लोकप्रिय है। यहां अक्सर चैरिटी के लिए इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें लोग गायक पर जमकर धन वर्षा करते हैं और उन रुपयों को एकत्रित करके सामाजिक कार्यों में लगाया जाता है। कुछ इसी तरह ही सौराष्ट्र में भी भक्ति संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां गायक पर जमकर गुलाबी नोट बरसाए गए। वैसे पिछले साल भी जामनगर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां लोगों ने रात भर गायक पर करीब 4.5 करोड़ रुपयों की वर्षा की थी। लेकिन नोटबंदी के दौर में इस तरह के कार्यक्रम पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतनी संख्या में 2000 के नए नोट इनके पास कहां से आए। तो नोटबंदी से जहां जीवन मुहाल है, वहीं सौराष्ट्र से सामने आई ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। देखते रहिए डीबी लाइव।